वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। रोज सुबह के 9 बजे लेकर आते हैं आपके लिए जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके हर एक टॉपिक से अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। तो आज जीके है हमारा ज्योग्राफी से, देखते हैं आज कितने लोग कितना उत्तर सही कर पाते हैं। यहाँ पे सेट नंबर है 58। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट, देखते हैं कि कितने उत्तर आपसे सही हो पाते हैं। आज का कट ऑफ मैंने 35 रखा है। जी हाँ, 35 क्वेश्चन सही कर लीजिए और पास हो जाइए, लेकिन गलत क्वेश्चन के यहाँ पे 0.25 नंबर डिडक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो नंबर तो आपके कैलकुलेट होंगे नहीं, तो 0.25 नंबर डिडक्ट करके ही जोड़िएगा और 35 क्रॉस करके देख लीजिए कि कितना उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है आपका। चलिए लेकर चलते हैं इन सभी प्रश्नों पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही रोज अपडेट के लिए रोज आपको जीके पूछे जाएंगे, रोज आपको उत्तर देना है यहाँ पे, और थ्योरेटिकल पार्ट घर बैठे पढ़िए आप अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो। साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शाम को 8 बजे हमारे साथ बिहार दुर्गा की इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, हर दिन आपको अलग अलग वहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों, आंसर कीजिएगा। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ मिलता है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, विंध्याचल पर्वतमालाओं में सबसे ज्यादा भोजपत्र के वृक्ष पाए जाते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया यह प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल जितने भी लोग देख रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों पे, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आप यहां पे कर रहे हैं उत्तर ए यानी कि अलकनंदा इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भागीरथी नदी निकलती है कहां से निकलती है, बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है गोमुख से इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारतीय वन्य जीवन संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी। जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे प्लीज़ फटाफट आंसर कमेंट करते रहिएगा आप लोग। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा जितने लोग अभी नए जुड़ रहे हैं। अनएकेडमी का बीपीएससी, जी हाँ अनएकेडमी एक चैनल है, अनएकेडमी बीपीएससी, ठीक है, अनअकेडमी बीपीएससी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। अनअकेडमी बीपीएससी के चैनल पे जाएं, वहाँ पे शाम को सात बजे एक वीडियो अपडेट किया जा रहा है करेंट अफेयर के लिए, बीपीएससी के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो छात्र जाके उसको देख सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के सारे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो आप लोग वहाँ पे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ पे क्यूज भी अटेंड कर सकते हैं हमारा शाम को 7 बजे। भारतीय वन्य जीवन जीव संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों, बिल्कुल देहरादून इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहाँ पे शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है, चलिए आंसर कीजिएगा। भारतीय गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जिसमें कि जहाँ पर शिक्षित बेरोजगारों की प्रतिशत सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल शिक्षित बेरोजगार कहने का मतलब है ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों की संख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों केरल में, तो यहाँ पे बेरोजगारी है। जी हाँ, आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टाइगर राज्य, जी हाँ टाइगर राज्य के नाम से जाने जाने वाला इस राज्य को कौन से नाम से जाना जाता है, बिल्कुल मध्य प्रदेश, आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ज़्यादा है इसलिए टाइगर राज्य के नाम से भी इसको घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछने के ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है, तो एसएससी में ये पूछा भी गया है आपको, मैं बता देना चाहता हूँ 2017 के पेपर में। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन से आच्छादित है, तो आंसर कीजिएगा मध्य प्रदेश, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था, आंसर कीजिएगा फटाफट। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले तक का था,
बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं दोस्तों। आंसर अगर आप यहाँ पे बी कर रहे हैं तो जी हाँ, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तेजाबी मिट्टी कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं आप यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि और भी लोग जुड़े हैं आपके साथ। और ये क्यूज का मजा आपको तब आएगा जब आपके कंपटीटर आपके साथ बैठेंगे। बिल्कुल, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। भारत का सबसे सुदूर जो है दक्षिणी पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट जिसको नाम से जानते हैं हम लोग, वो है दोस्तों बड़ा निकोबार में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, बरेली में, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, बरेली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? भारत में दूध की सबसे ज़्यादा, मतलब दूधों में उनकी वसा यानी कि फैट की मात्रा सबसे प्रतिशत ज़्यादा होती है, वो भैंस की नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। बिल्कुल उत्तर जिनका आ रहा है दोस्तों, भदवारी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बी भदवारी एक तरह की भैंस की नस्ल है, जिसके जो फैट में, जिसकी दूध में सबसे ज़्यादा फैट होता है, जी हाँ वसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में दोस्तों मालवा का पठार, आंसर ए कर लीजिएगा। अरावली जो है आपके पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात तक फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है, और विंध्य श्रृंखला जो है भारत के पूर्वोत्तरी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ ये राज्य है, और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ पठार फैला हुआ है। तो इन दोनों की श्रृंखलाओं के मध्य में है दोस्तों मालवा का पठार, जी हाँ आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा कौन से प्रदेश में पाया जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में, स्टार मार्क भी लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे। पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है? चलिए, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, जी हाँ कौन सी मिट्टी होती है? एक्चुअली काली मिट्टी सबसे कम पानी अवशोषित करती है, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत के अंतर्गत कौन सा द्वीप आता है? कितने द्वीप आते हैं, माफ कीजिएगा, भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? 247, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? फटाफट आंसर कीजिएगा हर क्वेश्चन के बाद। एक बार जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बार बार बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि और भी लोग आपके साथ जुड़ सकें, और ये क्यूज़ तभी सफल होगा जब आप लोग शेयर करेंगे, जी हाँ दोस्तों। चलिए, गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, ये स्थित है दोस्तों मंगोलिया में, आंसर डी कर लीजिएगा, जिनका उत्तर डी आ रहा है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के विभाजित करती है? चलिए, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? बिल्कुल, और शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, वो बहुत महत्वपूर्ण क्यूज़ होता है, और आज का क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शाम को जरूर 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे आप लोग। 38वीं समानांतर सीमा रेखा दोस्तों आपको बता दें कि डी होगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य को विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पे चलते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आप लोग अगर अनअकैडमी बीपीएससी पे, जी हाँ सर्च कीजिएगा अनअकैडमी बीपीएससी, एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप लोग शाम को हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, अनअकैडमी बीपीएससी, जहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, और वहाँ पे करेंट अफेयर के सिनेरियो शाम को 7 बजे पब्लिश किया जाता है, तो आप लोग हमारा जाके वीडियो भी देख सकते हैं, जी हाँ कल और परसों का, ठीक है, तो जल्दी से जाएं और जल्दी देखें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे भारत का प्रथम तितली उद्यान है दोस्तों
बन्नार घट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। आंसर हमारा ए हो जाएगा, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे 21 का। विश्व का कौन सा मुलायम लकड़ी जो कि लकड़ी की लुगदी तथा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा डी, कनाडा। नोट कर लीजिएगा, कनाडा देश है दोस्तों, ठीक है, आंसर कीजिएगा कनाडा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कनाडा की राजधानी कहाँ है। चलिए जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा इसका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पगमी, ठीक है, पगमी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती है? चलिए रोज सुबह के 9 बजे ये क्यूज आपको दिया जाता है, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को देखें लगातार हमारे साथ जुड़कर और ये क्यूज़ अटेंड करें यहाँ पे, ठीक है। दिन भर आप घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में हैं, तो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक उठाइए और पढ़िए लगातार, ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। हर सब्जेक्ट का टॉपिक उठा के थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर यहाँ पे कीजिएगा कांगो, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पगमी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? तो कांगो, ओके, कांगो नदी घाटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, भारतीय प्रमाणिक समय IST तथा ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर पाए जाते हैं, कितनी देर का अंतर होता है ये? बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, 5.5 घंटे का उत्तर होता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे फटाफट। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं दोस्तों, इट्स सी इज द राइट आंसर, 36 नोट कर लेंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36, अकेला ही लक्षद्वीप में ही ये पूरा द्वीप पाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रों का क्या प्रतिशत है? ठीक है, लक्षद्वीप को ध्यान रखिएगा, द्वीपों का द्वीप भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो भारत में अगर देखा जाए दोस्तों कि भौगोलिक क्षेत्रों में कुल वन का क्षेत्रों का प्रतिशत है 24.1, ठीक है, 01, ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग, डी इज द राइट आंसर, 228 और 70,000 किलोमीटर के अराउंड में है इनकी लंबाई, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, 70,000 किलोमीटर के अराउंड में इनकी लंबाई है तकरीबन, ठीक है, और राष्ट्रीय मार्ग कुल कितने हैं? तो 228। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहा गया है? महाविभाजन का वर्ष कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, सन 1921 को, ठीक है, याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? देखिए नाम पे मत जाइएगा, गंगोत्री इसका मतलब ये नहीं कि भारत में है, ये अंटार्कटिका में है, याद रखिएगा दोस्तों, आंसर हमारा डी हो जाएगा। उत्तराखंड भी ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, ताकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। अगर सिर्फ पूछे कि गंगोत्री कहाँ स्थित है तो आप उत्तराखंड लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही दक्षिणी गंगोत्री बोल देवे तो आपको अंटार्कटिक बोलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? रेल मंत्री जी हाँ, जो रेल मंत्रालय है उन्होंने 2004 में ही, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, विलेज ऑन व्हील्स जो है नामक परियोजना शुरू करने की शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 31, भील जाति कहाँ पाई जाती हैं? भील जाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा इट्स डी, महाराष्ट्र में, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी शीतल धारा है? निम्नलिखित में कौन सी शीतल धारा है, आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर कीजिएगा बेंगुएला, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, नोट कर लेंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, कौन से देश में होता है, ये जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जिनका उत्तर सी आ रहा है, अमेरिका इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे भारत है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, सांगपो इज द राइट आंसर। सांगपो के नाम से जानी जाती है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहते हैं? बिल्कुल 90% अभ्रक जो है वो झारखंड में पाया जाता है, इसको हम लोग रूबी वेराइटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रूबी वेराइटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आंसर कीजिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर 3 सेकंड में आपको देना है। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, रोज़ सुबह के 9 बजे और शाम को 8 बजे इसी चैनल YT एजुकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, 36 का आंसर कीजिएगा, कपासी वर्षा इज द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल उत्तर कीजिएगा, इट्स अ बी, 4.6 बिलियन वर्ष, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विली विली क्या है ये? विली विली के को क्या कहते हैं? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। जी हाँ, आंसर बी जिनका आ रहा है, उत्तर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु है दोस्तों तांबा, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बेंगई क्या है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, बेंगई को क्या कहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बेंगई को पश्चिमी एशिया की जनजाति कहते हैं, एक जनजाति है बेंगई, ठीक है, पश्चिमी एशिया में ये निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 41, हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, सबसे पुराना है यहाँ पे बृहत हिमालय की श्रेणी। जी हाँ, आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, फटाफट आंसर करते हैं। भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है। अपलावी वन जो है पाए जाते हैं सुंदरवन में, याद रखिएगा, सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कितनी होगी? एक स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो 45 डिग्री दक्षिण हो सकती है, सी इज़ द राइट आंसर, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह होता है दोस्तों ए भूमध्य रेखा, इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, ए भूमध्य रेखा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिएगा। विश्व की दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, 45 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों, जी हाँ, हिंदी, नोट कर लीजिएगा। दूसरी सबसे पहली है अंग्रेजी, दूसरी है हिंदी, नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे भारत में और एशिया में पूछे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा तो बांग्ला बताइएगा, ठीक है, दूसरी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल डी, भारत इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, भारत इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी रहती है? भारत की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत शहर की आबादी रहती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, मात्र 31.1%, नोट कर लीजिएगा, आ चुका है एग्जाम में, स्टार मार्क भी लगा लीजिएगा आप लोग इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? देखिए वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा आप लोग, डेली जीके आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, हर दिन अलग अलग टॉपिक से लाकर क्वेश्चन सिनारियो दिया जा रहा है आपको, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है आपका। बिल्कुल हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग है दोस्तों 40%, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? चलिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो प्रतिशत हैं वो हैं दोस्तों 26%, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है?
बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों डी अहमदाबाद। आंसर हमारा डी हो जाएगा, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा और स्टार मार्क भी लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। आंसर हमारा अहमदाबाद होगा क्योंकि गुजरात का एक शहर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप 50 प्रश्नों में कितने उत्तर सही किए हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। रोज़ सुबह मिलेंगे 9 बजे अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लेकर। तो आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे और शाम को मिलिएगा शाम को 8 बजे। धन्यवाद।